दीपिका पादुकोण ने कन्फेशन दे दिया है एनसीबी को। जी हाँ, क्या कुछ कहा है दीपिका पादुकोण ने अपने कन्फेशन में, ये सब आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। वेल हेलो गाइस, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि दीपिका पादुकोण लाइमलाइट में आई जया शाह के वजह से, जिनकी चैट्स में करिश्मा प्रकाश जो कि दीपिका की मैनेजर है, फिर करिश्मा प्रकाश की चैट, वहां से दीपिका पादुकोण, ये सब चीजें लाइमलाइट में आ गई। उसके बाद क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि बहुत सारे आर्टिस्ट्स को हैंडल करती है, उनके प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है। ऐसे में टाइगर श्रॉफ से लेकर ऋतिक रोशन से लेकर श्रद्धा कपूर से लेकर दीपिका पादुकोण, ये सारे बड़े बड़े लोग जो हैं वो क्वान के पास हैं। अब क्वान मैनेजमेंट की जो व्यक्ति हैं यानी कि जया शाह, वो कौन से हैं? तो उनके चैट्स में जब दीपिका का नाम आया, तो जब उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने अपना बचाव करते हुए इस बात को कहा कि जी हाँ, दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर ये दोनों ही लोग ड्रग्स लेती हैं और ये हमसे ड्रग्स मंगवाती थी। अब यहाँ पर क्वान ने अपने बचाव के लिए जो सिनेरियो पेश किया है वो ये है कि क्वान कह रहा है कि दीपिका और श्रद्धा और इस तरह के जितने भी आर्टिस्ट्स हैं ये हमारे ही हैं, और ये हमसे अगर कह रहे हैं, हमारा धर्म है, हमारा काम है ये करना कि आर्टिस्ट को खुश रखना है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको खुश रखना है, अगर क्लाइंट कह रहा है कि ड्रग्स चाहिए तो हम ड्रग्स लाकर दे देते हैं, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर दीपिका पादुकोण के पास हाँ कहने के अलावा और कोई रीज़न जो है और कोई रास्ता आई थिंक बचा नहीं है। ऐसे में दीपिका से 3.5 घंटे तक पूछताछ की है एनसीबी ने। इस 3.5 घंटे की पूछताछ में एनसीबी ने खुलकर दीपिका से बात की। एनसीबी ने कहा कि आप ने, क्योंकि देखिए एक होता है कि सामने चैट्स ना हो तो फिर भी आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन चैट जो है वो सामने है। यहाँ पर दीपिका खुद मांगती हुई नज़र आ रही हैं कि मुझे इस बार, पिछली बार वीड दी थी, वीड नहीं चाहिए, इस बार हैश लेकर आना, हैश चाहिए, माल है क्या तुम्हारे पास, इस तरह की तमाम बातें, ठीक है। तो अब दीपिका ने खुद कन्फेस कर दिया है, क्योंकि झूठ बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्वान ने खुद ही बोल दिया है सामने से, और ऐसे में दीपिका ने भी सामने से कन्फेस कर लिया है कि यस, मैंने ड्रग्स उस वक्त मंगाई थी। अब दीपिका ने कितने लेजिट कन्फर्मेशंस किए हैं, कितने लेजिट कन्फेशंस किए हैं, ये अभी तक इसकी डिटेल आउट नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर कन्फर्म हो चुका है कि दीपिका पादुकोण ने कन्फेशन दिया है दैट यस, आई वॉज कंज्यूमिंग ड्रग्स एंड उस वक्त मैंने ड्रग्स मंगाए थे और ये मेरी ही चैट्स हैं। सो देखना ये होगा कि अब क्वान जो है वो कहाँ तक बच पाता है, क्योंकि क्वान के काफ़ी सारे आर्टिस्ट, चाहे सुशांत हो, रिया हो, दीपिका हो, श्रद्धा हो, ये सब लोग, आई थिंक इवन सारा अली खान, आई एम नॉट श्योर बट मोस्टली सारा अली खान भी, ये सारे लोग क्वान के अंदर ही आते हैं। तो अब क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप लोग एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में।